মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক উদ্যোগে ও অনুপ্রেরণায় 35টি পরিষেবা নিয়ে আবার শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি। গত 1 সেপ্টেম্বর থেকে সপ্তম পর্যায়ে শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার শিবির। এখনও পর্যন্ত 6টি পর্যায়ে 4.66 লক্ষ শিবির ও 7.20 কোটি পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে। আজ কলকাতার 42 নম্বর ওয়ার্ডে পৌরপিতা মহেশ শর্মার উদ্যোগে পাঞ্জাব সেবা সমিতিতে অনুষ্ঠিত হলো দুয়ারে সরকার শিবিরের। এদিন সকাল থেকেই সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে হাজির ছিলেন পৌরপিতা মহেশ শর্মা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন দীপক শর্মা, সুনীল দীক্ষিত, মহিলা সমানেত্রী অনিনা খান সহ অন্যান্যরা। আবেদনপত্র জমা নেওয়া হবে 16 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। পরিষেবা প্রদান চলবে 18 থেকে 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এদিনের শিবিরে সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল নজর কাড়া। ये हम बोलेंगे पूरा हिंदुस्तान के अंदर एक प्रथम राज्य है बंगाल, जहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद योजना का लाभ देने के लिए सरकार द्वारा हर वार्ड में जाकर द्वारे सरकार, जो प्रथम बार पूरा हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। यहाँ ये नहीं देखा जाता है कि ये बीजेपी करने वाला है या टीएमसी करने वाला है, खाली वो हमारा बंगाल का नागरिक है तो उसकी योजना का लाभ देने के लिए हम सक्रिय हैं। यहाँ एक प्रोजेक्ट बनाए हैं हर नागरिक का, किसका क्या क्या डॉक्यूमेंट है उसकी पूरी जानकारी लेकर, उसको क्या क्या लाभ मिला नहीं मिला वो भी जानकारी देंगे और उसकी हर योजना का लाभ उनको पहुँचाने का काम हमारा जो चल रहा है बहुत ही अच्छा है। सीनियर सिटीजन स्वास्थ्य कार्ड और जो लड़की लोग का है सब बन रहा है, बहुत ही अच्छा है। इसमें सबको बहुत ही सुविधा हो रहा है। सब लोग जो इतने परेशान रहते थे मैंने हॉस्पिटल वगैरह के, सब बहुत सुविधा इससे मिल रहा है और सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश है इसमें से। बहुत ही अच्छा पार्षद है और हम चाहते हैं कि ऐसा पार्षद हर वार्ड में होना चाहिए। बहुत ही अच्छा पार्षद है, ऐसा पार्षद आज तक 42 में ना कभी था ना है और ना उम्मीद है कभी रहेगा।